दरभंगा का महानायक कौन होगा? बताते चले, दरभंगा नगर निगम का 20 अक्टूबर को होगा चुनाव। आज राकेश नायक ने महापौर उम्मीदवार के तौर पे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती निर्माता नायक को दरभंगा के सामने प्रस्तुत किया। मीडिया बंधुओं के सामने उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। अपनी दमदार दावेदारी को लेकर के श्रीमती निर्माता नायक ने कहा कि जिस तरीके से कई वर्षों से दरभंगा में कई महापौर उप महापौर आए, लेकिन जो दरभंगा नगर निगम का विकास होना चाहिए था, लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उन्हें मौका मिलता है तो उन तमाम समस्याओं को दूर करेंगी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जो एक दरभंगा नगर निगम में, एक बड़े शहर में, मिथिलांचल की इस पावन धरती पे और मिथिलांचल की राजधानी कहने जाने वाली दरभंगा में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया इतने वर्षों में। वो अगर मैं आती हूँ जीत के, जनता जनार्दन उनको मौका देती है, तो वो अवश्य करेंगे। वहीं बताते चले, उनके परिजन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विजय का आशीर्वाद दिया। तो आइए सुनते हैं श्रीमती निर्माता नायक ने और राकेश नायक ने प्रेस वार्ता में दरभंगा वासियों के लिए क्या संदेश दिया महापौर उम्मीदवार बनकर। पॉजिटिव ही आ रहा है कि अभी तक जितने भी मेयर रह चुकी हैं, अभी तक जो भी रह चुकी है, उनका तो कार्यकाल जो रहा उसमें जनता भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहा। और उसमें उस कार्यकाल में लोगों को ये चीज़ तो देखने को मिला कि उन्होंने क्या किया और मैं ही क्या पाया। विकास की ओर कितना उसकी उन्नति हुई, स्वच्छता की ओर इतना कितना उन्नति हुई, तो इस चीज़ को उन लोगों से अवगत हो तो जनता हुई होगी। तो एक नया मौका, एक नया दौर आना चाहिए, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लोगों को, नए लोगों को इस मंड में आकर वो चीज़ सिखाना चाहिए जो जनता चाहती है, जो जनता को मिलना चाहिए, जिससे जनता हर एक चीज़ से त्रस्त है। पब्लिक की शिकायत तब होती है जब उसको हैंडल नहीं किया जाता है। तो वही मौके के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि आप जनता एक मौका दें और वो चीज़ मैं दिखाने का वो अवसर लेना चाहती हूँ और उसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी क्या कर सकती है, अपने निगम के लिए क्या कर सकती है, क्या कह सकती है और कितना प्रोग्रेस होगा। ये चीज़ वे बहुत से ऐसे खाली जगह है जिनको चिन्हित करके उस पर बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए उस पर एक अच्छा पार्क और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, जिससे एक अच्छा माहौल बच्चों को भी मिले और वृद्धों को भी मिले। वृद्धों की पेंशन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि उसे समय पे उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, तो इन सभी की समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही कहा कि दरभंगा चल रहा है बदलाव की ओर और निश्चित तौर पे ये जो मौका मिला है दरभंगा की धरती को, मिथिला की पावन धरती को, अपने वोट से यहाँ के एक एक लोग अपने वोट से जनप्रतिनिधि को चुन के सदन भेजेंगे, निश्चित तौर पे वो समय बदलाव का होगा और ये बदलाव की ओर दरभंगा जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी, मेरी धर्मपत्नी निर्माता नायक जी महापौर पद के लिए अपना नॉमिनेशन दिनांक 16/9/2022 को करेंगी और हम लोग मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को समझेंगे। वैसे भी मैं लगातार समाज सेवा के माध्यम से सभी वार्डों का भ्रमण करता रहा हूँ, एक एक मुद्दा मेरे द्वारा चिन्हित किए जा चुके हैं पहले भी। नगर निगम में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है, जहाँ दिहाड़ी पर लोग मजदूरी का काम करा लेते हैं और उनके ESF PF का पैसा नगर के भ्रष्टाचारी में चला जाता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के सैकड़ों मुद्दे हैं, तो उन सभी मुद्दाओं पर लगाम लगाने का काम अगर मैडम जीत के आती है तो निश्चित तौर पर बिंदुवार तरीके से उन सब विषयों पर काम होगा और जनता का उम्मीदवार होगा, जनता का निगम होगा, ये हमारी प्राथमिकता होगी। चंद लोगों की जो निगम थी उस सिकंजे से निगम को बाहर निकालना, यही हमारी। दरभंगा नगर निगम में कोई भी महापौर और पार्षद रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अफसरशाही बिहार की तरह से बहुत ही भारी है। उसको खत्म करने में आपको कितनी प्रॉब्लम होगी आपको ही पता है, उसको कैसे दूर करेंगी? निश्चित तौर पे, जहाँ मैंने पहले ही कहा कि चंद लोगों का सिंडिकेट जिस निगम को चला रहा था, तो भ्रष्टाचार तो मिल बांट के लोग कर रहे थे ना। जब जनता का वहाँ प्रतिनिधि पहुँचेगा, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना हुआ उम्मीदवार वहाँ पहुँचेगा, तो निश्चित ऐसे चीज़ों पे लगाम और प्रतिबंध लगाने का काम और उसकी प्राथमिकता मैडम की।
अपना परचय दीजिए। 5 रुपया बैठिए।